उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाले सपा विधायक सहजल इस्लाम के खिलाफ योगी ने की कार्रवाई, पेट्रोल पंप पर चलवा दिया बुलडोजर। जय दोस्तों, आपको बता दे ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक सहजल इस्लाम ने योगी आदित्यनाथ को बीते दिनों धमकी दी थी और कहा था कि योगी से डरने की किसी को उत्तर प्रदेश में जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि यह धमकी सपा विधायक को देना महंगी पड़ गया और समाजवादी पार्टी के विधायक सहजल इस्लाम के खिलाफ योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए सहजल इस्लाम के पेट्रोल पंप को आज बुलडोजर चलवाकर तोड़वा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बरेली में गुरुवार को एसपी विधायक सहजल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला। जानकारी के अनुसार उन पर नक्शा पास किए बगैर पेट्रोल पंप बनाने का आरोप है। विधायक का ये पेट्रोल पंप दिल्ली रामपुर नेशनल हाईवे पर बना है। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने बरेली जिले की भोजीपुरा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक सहजल इस्लाम पर हाल ही में FIR दर्ज की थी। उनके खिलाफ ये कार्रवाई भड़काऊ भाषण देने का आरोप के लेकर की गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आज दोस्तों की योगी के खिलाफ जो भी उत्तर प्रदेश में बोल रहा है उस पर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि यूपी में MLC चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने 4 नेताओं को निकाला पार्टी से बाहर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन्नाव में करारी हार के बाद आज 4 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जिसमें ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शामिल है, एक साथ 4 ब्लॉक प्रमुखों का सपा से निष्कासन सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि इन लोगों की फोटो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के साथ गदा भेंट करते हुए वायरल हुई थी, जिसके बाद पार्टी ने चारों लोगों को समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। निकाले गए चारों नेता शिवपाल यादव के करीबी बताए जा रहे हैं। सपा के प्रदेश कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष उत्तम पटेल ने उन्नाव के 2 ब्लॉक प्रमुख व 2 सपा नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करते हुए पत्र भी जारी किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में 48 जेलों में बंद 136 कैदियों को मिलेगी रिहाई, जुर्माना ना जमा कर पाने के चलते काट रहे थे सजा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा बनने के बाद अपराधियों में इस कदर खौफ देखने को मिल रहा है कि वो खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। इसी बीच इस सरकार ने सलाखों के पीछे बंद कैदियों को खुली हवा में सांस लेने की पहल पर मोहर लगाई है। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर बुधवार को प्रदेश के 48 जेलों में बंद 136 कैदियों को रिहा कर दिया गया है। ये सभी कैदी लंबे समय से जेल में सजा पूरी होने के बावजूद अर्धदंड जमा ना कर पाने के चलते सजा काट रहे थे। ये रिहाई होमगार्ड एवं कारागर राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति की अगुवाई में दी गई है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश के इन जेलों में अर्धदंड ना चुका पाने के कारण बंद कैदियों को जल्द ही जो है जेल से बाहर भेज जाएगा। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला हमला, कहा इस सरकार में नौजवान कर रहा है आत्महत्या। या दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा पर जमकर हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा से फेयर चुनाव की उम्मीद करना मतलब अपने आप को धोखा देना है। अखिलेश यादव ने कहा कि कन्नौज में कई साथी MLC चुनाव का पर्चा नहीं भर पाए थे, सरकार के साथ मिलकर एटा में पुलिस कप्तान और DM ने पर्चा नहीं भरने दिया, फरुखाबाद के साथियों के साथ भी यही हुआ है। वहीं बेरोजगारी पर अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी नौजवान भटक रहा है, कम से कम नौजवान को रोजगार और नौकरी मिले। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में नौजवान आत्महत्या कर रहा है, पत्रकार जेल में जा रहे हैं और अपने आप को भाजपा धोखा देकर लोगों का मनोबल तोड़ रही है। तो ये बड़े हमले अखिलेश यादव ने BJP पर बोले हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि यूपी सरकार ने AAI को सौंपे श्रीराम एयरपोर्ट के कागज, CM योगी की मौजूदगी में हुआ है लीज एग्रीमेंट। यह दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट की जमीन भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन का हस्तांतरण हुआ है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा क्रय की गई 337 एकड़ भूमि को भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण की लीज पर दिए जाने हेतु नागरिक उड्डयन विभाग उत्तर प्रदेश और भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण के माध्यम से लीज एग्रीमेंट निष्पादन हुआ है। यानी अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये जमीन सौंपकर यहाँ पर जो है बनवाएगी। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि चारों राज्य के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत को कांग्रेस पार्टी ने बताया लूट का लाइसेंस। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस ने बुधवार को बढ़ती महंगाई को लेकर BJP पर निशाना साधते हुए कहा है कि महंगाई यहाँ लोगों के लिए अभिशाप बन गई है, वहीं सत्ताधारी पार्टी इसे एक कार्यक्रम की तरह मना रही है। उन्होंने कहा कि देशवासियों का मजाक बना रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने यहाँ मीडिया से कहा कि BJP ने 4 राज्य के विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को लूट के लाइसेंस के रूप में लिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से ईंधन की कीमतों में वृद्धि का जिक्र करते हुए कहा कि 1 अप्रैल से देश के लोगों पर नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लगाई गई क्रूर, भारी और पीड़ तोड़ने वाली कीमत ने हर परिवार का बजट खराब कर दिया है। उन्होंने कहा कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन योगी सरकार चुपचाप बैठी हुई है।
इसी के साथ आपको बताइए दोस्तों कि सरकारी जेसीबी मशीन के आगे लेटना पड़ा भारी सुल्तानपुर के अपर जिला जज मनोज कुमार शुक्ला निलंबित। जय दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के अपर जिला जज मनोज कुमार शुक्ला को बस्ती जिले में चल रहे सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अंकित विवरण में शुक्ला को गत 3 अप्रैल से निलंबित बताते हुए सोनभद्र से संबंध किए जाने की जानकारी दी गई है। शुक्ला के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई के बारे में बस्ती जिला प्रशासन से मंगलवार को मिली जानकारी के अनुसार बस्ती जिले में स्थित अपने पैतृक गाँव छपिया में उनके द्वारा सरकारी काम में बाधा डालने की शिकायत मिली थी। इसके तहत विगत दिनों छपिया गांव में जिला प्रशासन द्वारा एक नहर की खुदाई के काम को रोकने के लिए वह जेसीबी मशीन के आगे लेट गए थे। इस कारण से प्रशासन को नहर की खुदाई का काम रोकना पड़ा था और इसी मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सवाल उठाए थे और योगी आदित्यनाथ ने अब उनको सस्पेंड ही कर दिया है। इसी के साथ आपको बताए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक बोले ठाकुर और ब्राह्मणों ने नहीं दिया है हमें वोट। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव खत्म हो जाने के बाद भी यूपी की सियासत की चर्चा जोरों पर रहती है। इसलिए सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के एक नवनिर्वाचित विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है। पूर्व सांसद व जौनपुर के कैरातकत विधानसभा सीट से विधायक तूफानी सरोज ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम ठाकुरों और ब्राह्मणों के वोट से नहीं जीते हैं। दरअसल आपको बता दें कि तूफानी सरोज ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बीजेपी या फिर बसपा जीत रही है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 95,000 वोटों से जनता हमें जिताकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। हमारे कार्यकर्ताओं ने बता दिया कि हम जीतेंगे लेकिन हमें ठाकुर के सहयोग की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ठाकुर और ब्राह्मणों ने हमें तो वोट ही नहीं दिया है और हम तो अपनी वैसे ही जीते हैं और लोगों ने हमें जिताया है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बटो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवपाल यादव के पुराने साथी का बड़ा बयान, कहा किसी भी कीमत पर नहीं होंगे बीजेपी में शामिल। जी दोस्तों आपको बता दें कि इटावा बीजेपी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने झंडारोहण किया और साथ ही इस मौके पर शोभा यात्रा निकाली। इस मौके पर बीजेपी में शामिल हो चुके प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद रघुराज साक्या ने शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कहा कि शिवपाल के पार्टी में शामिल होने पर पार्टी के अकाल मान को निर्णय करना है। इटावा में भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यालय पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजीव राजपूत ने झंडारोहण किया। वही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पार्टी इस पर विचार करेगी, अगर शिवपाल सिंह यादव हमारी पार्टी में आना चाहते हैं तो वह आ सकते हैं लेकिन हम इस पर जोर नहीं दे सकते। इसी के साथ आपको बताए दोस्तों कि 4 जिलों के डीएम जल्द बदलेगी योगी सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के 4 जिलों के डीएम जल्द ही बदले जाएंगे। लंबे समय से एक जगह पर जमे आईएएस अफसरों को अब तबादले की गाज झेलनी पड़ेगी। लंबे समय से लखनऊ, वाराणसी, इटावा और अलीगढ़ में जिला अधिकारी बदले नहीं गए हैं। ये चारों 2006 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इन चारों को पदोन्नति मिले लंबा समय बीत चुका है। ऐसे में मंडल में मंडला आयुक्त या फिर शासन में सचिव स्तर का पदभार इन अफसरों को 16 अप्रैल तक हर हाल में संभालना पड़ेगा। इन अधिकारियों में लखनऊ के जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश भी शामिल हैं। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 4 जिलों के डीएम जल्द बदलने वाले हैं। इसी के साथ आपको बताए दोस्तों कि गाजियाबाद की एक सोसाइटी में गंदा पानी पीने से 59 लोग हुए बीमार। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक सोसाइटी में प्रदूषित पानी पीने से कई लोग बीमार हो गए हैं। डिप्टी CMO डॉक्टर GP माथुर ने बताया है कि गोल्फ लिंक सोसाइटी से शिकायत मिली कि मिलने के बाद हमने एक चिकित्सा दल को सोसाइटी में भेजा है। डिप्टी CMO डॉक्टर GP माथुर ने बताया है कि गोल्फ लिंक सोसाइटी के 38 बच्चे, 13 महिलाएं, 5 वरिष्ठ नागरिक और 3 वयस्कों को उल्टी, दस्त और पेट की समस्या थी। उनका इलाज किया गया है। इनमें से कोई भी मरीज गंभीर नहीं था। सोसाइटी से हमने 8 सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजे हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले 2 दिनों में अगर ऐसी घटना होती है तो वहाँ 2 दिन के लिए 2 कैंप लगाने और पानी का सैंपल लेने का आदेश दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि गंदा पानी पीने से ये बड़ी कार्रवाई हुई है। इसी के साथ आपको बताए दोस्तों कि आरोपी मुर्तजा को लेकर दिए बयान पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को घेरा, बोले हमेशा आतंकवादियों से रहा है उनका जुड़ाव। यह दोस्तों आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा था कि उसके पिता ने कहा है कि उसे एक मनोरोग की समस्या है, वो बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहा है। मुझे लगता है कि हमें उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भाजपा की ऐसी पार्टी है जो मुद्दों को बड़ा चढ़ाकर दिखाती है। अब इस पर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गोरखनाथ मंदिर पर जो हमला हुआ वह गंभीर घटना है। जांच में जुटी पुलिस का मनोबल तोड़ने और ऐसे अपराध करने वालों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास अखिलेश यादव द्वारा किया गया है। उन्हें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। मैं उनके बयान की जो है निंदा करता हूँ। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश जी को एक आरोपी पर खुलेआम टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो पूर्व CM हैं। हमारे सुरक्षाकर्मियों ने उनके आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने के बाद
भी अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पकड़ा है। उनका बयान निंदनीय है, समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी बन जाएगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का पहले से ही आतंकवादियों से लिंक रहा है और वह लगातार आतंकवादियों का साथ भी देते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह गंभीर आरोप अखिलेश यादव पर लगाए हैं।